नमो सिद्धाणां नमो आयरेयाणां नमो उवज्जायाणां नमो लोये सावसाहुणं एसो पंच नमोकारो सावपावपनासनो मंगलानं च सविसिं पडमं हवै मंगलां अरहंतो भगवंत इंद्रमहिता सीदाच सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्न त्रयाराध का पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिना कुर्वन्तु वो मंगला नमो दुर्वार रागादी वैरिवार निवारिने अरहते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकार बिंदु सयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकयां नेत्रमं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारं इन्द्रदीनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहं विराज बिंदु संयोक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव समुद्रं मोददातारं इन्द्र
त्रिदिन्नम् नमाम्यहम् नित्यानन्दम् नमाम्यहम् नीरन्द्रे भवकानने परिगल पञ्चाश्रुवाम्भोधरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहांधकारो दुरे भ्रांतानामिह देहिनाम हितकृते कारुण्य पुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरह पांतु वह रम्या गिरह पांतु वह परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धे गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल क्यों जाता है? कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास क्यों जाता है? अपना इलाज कराने। कोई बच्चा स्कूल क्यों जाता है? पढ़ने के लिए जाता है। कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपनी दुकान में धंधे में क्यों जाता है? पैसा कमाने जाता है। जो व्यक्ति डॉक्टर के पास गया है उसको पता है कि मैं बीमार हूं और ये डॉक्टर मेरा इलाज करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। एक बच्चे को ये जानकारी है कि मैं स्कूल जाऊंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, आगे जाके बड़ा आदमी बनूंगा। एक व्यापारी को पता है कि मैं व्यापार करूंगा, दुकान में धंधे में जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, घर चला पाऊंगा। जो व्यक्ति जहां जाता है उसको वहां जाने का उद्देश्य पता है, उस उद्देश्य से उसको क्या मिलेगा यह भी उसको पता है। अगर डॉक्टर के पास मरीज आया है तो डॉक्टर को भी पता है कि ये मेरे पास क्यों आया है। टीचर को भी पता है कि ये बच्चा मेरे पास क्यों आया है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को भी जानता है कि ये मेरे पास में क्यों आया है। सभी को अपने अपने उद्देश्य पता हैं। मैं आपसे पूछूं कि आप प्रतिदिन सत्संग में आते हो, क्यों आते हो? क्या आपको आपका उद्देश्य पता है? आप प्रतिदिन सत्संग में आते हो, गुरुवाणी सुनने के लिए आते हो, जिन वाणी सुनने के लिए आते हो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या? यहां आकर के अपना पुण्य बढ़ाना या अपने जीवन को परफेक्ट बनाना? बोलो। पुण्य बढ़ाना यदि आपका उद्देश्य है तो आप वापस पुनः पुनः संसार में ही आओगे। पुण्य आपको पुनः संसार देगा, क्योंकि पुण्य को भोगने के लिए वापस संसार तो आना ही पड़ेगा। पुण्य से क्या होगा? पुण्य भी तो कर्म है। अगर पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है। जंजीर तो जंजीर है।
बंधन तो दोनों का है, पाप का भी बंधन है तो पुण्य का भी बंधन है। और यहां केवल पुण्य बढ़ाने के लिए यदि आप आते हो तो पुण्य भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा, फिर शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर उस पुण्य को भोगते समय फिर नए कर्म बांधोगे, फिर उन कर्मों को भोगने के लिए फिर संसार में आओगे, तो इस पुण्य से मुक्ति तो हुई नहीं। तो आपको आपका उद्देश्य ही अभी तक स्पष्ट नहीं। मरीज को पता है डॉक्टर के पास क्यों जाना, बच्चे को पता है स्कूल क्यों जाना, व्यापारी को पता है कि धंधे में क्यों जाना, लेकिन हमको पता नहीं कि सत्संग में क्यों आना। पुण्य बढ़ाने के लिए आना है या जीवन को परफेक्ट करने के लिए आना है? हमारा जीवन जब तक परफेक्ट नहीं होता, सही दिशा की ओर, सही मंजिल की ओर नहीं चलता, लाख पुण्य कमा लो ये पुण्य भी आपको घुमाता रहेगा। कभी देवलोक ले जाएगा, कभी सेठ साहूकार बनाएगा, सुख समृद्धि देगा, भौतिक ऐश्वर्य देगा, अनुकूलताएं देगा, सामग्री देगा, और क्या करेगा? पुण्य से नहीं, जीवन को परफेक्ट बनाने से आपका उद्धार होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति परमात्मा के मंदिर में गया, धर्मस्थान में आया और उसने परमात्मा के दर्शन किए, गुरुओं की वाणी का श्रवण किया, धर्मस्थान में आने से उसका पुण्य बढ़ा, लेकिन उस पुण्य के बढ़ने के साथ में जो जीवन जीने की शैली है, जो जीवन जीने की कला है, जीवन में शांति को कैसे पाना, जीवन में समस्याओं का समाधान कैसे पाना, नए कर्मों का बंद ना हो इस तरह से कैसे जीना, कैसे जीवन का व्यवहार करना, कैसे गृहस्थ जीवन का पालन करना, कैसे संयम के प्रति रुचि रखना, जब तक यह नहीं सीखा और यहां पर आया हुआ आपका पुण्य क्या आपको मुक्ति दे सकता है? नहीं दे सकता। केवल पुण्य की बात नहीं करनी, अपने जीवन को परफेक्ट बनाने की बात करनी है, वरना क्या होगा? एक व्यक्ति और उसके मन में आया कि आज एक बढ़िया फंक्शन रखते हैं और उसमें शास्त्रीय संगीत श्रवण करने के लिए एक बढ़िया, जो शास्त्रीय संगीत का जानकार हो, ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं और देश के जाने माने शास्त्र गायन के अंदर में जिसका नाम है, ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित किया। सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत, और उस व्यक्ति ने उस फंक्शन के अंदर अपने सभी जानने वालों को इकट्ठा किया और इसके साथ जो व्यक्ति संगीत में रुचि रखते थे, जिनको कुछ शास्त्रीय संगीत की जानकारी भी थी, ऐसे भी लोगों को, ऐसे विद्वानों को भी, गायकों को भी वहां इकट्ठा किया। सभा भर गई और मंच के ऊपर जिसको आमंत्रित किया था उस गायक को मंच के ऊपर में बुलाया गया। वो व्यक्ति आया, आने के बाद उसने अपना पहला गीत सभा के समक्ष रखा। शास्त्रीय संगीत था, पहली उसकी प्रस्तुति थी, सभा शांतिपूर्वक उसका गायन सुन रही थी। जैसे ही पहला गीत पूरा हुआ और पहला गीत पूरा होते ही जितनी सभा बैठी थी, जितने लोग बैठे थे, उनमें से सभी मिलकर के बोले, वंस मोर, वंस मोर। और जब किसी
गायक के सामने अगर आप वंस मोर करो तो उसको कैसा लगेगा? उसको तो लगा कि अरे वंस मोर, यानी कि मेरा गीत सभी ने पसंद किया, कोई गायक हो कोई व्याख्याता हो और उसके सामने यदि उसकी प्रस्तुति के बाद में यदि आप तालियां बजाओ तो उसको कैसा लगेगा? अच्छा लगता है, उसका उत्साह बढ़ता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। और उसके गीत पूरे होते ही सभी ने कहा वंस मोर वंस मोर। उसने कहा कोई बात नहीं, वापिस रचना सुनाता हूं। उसने दूसरी बार शास्त्रीय संगीत शुरू किया और दूसरी बार संगीत सुन करके वो सबकी तरफ देखता है, फिर सभा में से आवाज आती है वंस मोर वंस मोर। उसने कहा ये तो कमाल हो गई, मेरा गीत मेरा गायन सबको इतना अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। अरे मेरे पास बहुत सारे छंद हैं, पद हैं, बहुत सारे गीत हैं, अब कोई और गीत सुनाता हूं। उसने कोई और गीत लिया, तीसरी बार गीत पूरा हुआ तो सभा में से फिर आवाज आई वंस मोर वंस मोर। वो बेचारा विचार में पड़ गया कि एक बार वंस मोर हो गया, दो बार वंस मोर हो गया, तीन बार वंस मोर, मामला क्या है? उसने कहा चलो राग बदल देता हूं, मल्हार की जगह राग भैरवी छेड़ देता हूं। उसने चौथी बार गीत गाया और चौथी बार भी पब्लिक वंस मोर वंस मोर। वो कहता है तो गड़बड़ है कोई। उसने कहा कि अरे भाई एक बार सुना दिया, दो बार सुना दिया, तीन बार सुना दिया, चार बार सुना दिया और आप अभी भी कह रहे हो वंस मोर वंस मोर, मामला क्या है? तब नीचे से एक व्यक्ति बीच में से खड़ा हुआ, उसने कहा भाई साहब जब तक आप परफेक्ट नहीं सुनाओगे हम वंस मोर बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। आप ठीक से सुनाओ, ढंग से सुनाओ, बढ़िया सुनाओ, परफेक्ट सुनाओ, जब तक आप परफेक्ट नहीं करोगे हम वंस मोर कहते रहेंगे। यानी कि वंस मोर कहने के पीछे कारण क्या था? वो व्यक्ति परफेक्ट नहीं था। जब तक हम जीवन परफेक्ट नहीं जिएंगे तब तक जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण ये परंपरा चलती रहेगी, वंस मोर वंस मोर वंस मोर वंस मोर चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हम परफेक्ट नहीं जिएंगे, जब तक हम परफेक्ट सत्संग नहीं करेंगे, जब तक हम परफेक्ट आचरण नहीं करेंगे। और ये जिन वाणी हमें परफेक्ट बनाने के लिए हमारे ज्ञानी भगवंतों ने सारे आगमों का ग्रंथों का अलोडन विलोडन करके उसका जो नवनीत है निष्कर्ष है उसका जो सार है वो निकाल करके हमें दिया है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। इतने सारे ग्रंथों का नवनीत निकाल करके उन्होंने हमारे सामने रखा कि भाई तुम सारा नहीं पढ़ सकते जान सकते सुन सकते तो भैया ये सार ग्रहण कर लो, अपने जीवन को परफेक्ट बनाओ। महोपाध्याय विनय विजय जी महाराजा हमें शांति का अमृत पिलाना चाहते हैं, क्योंकि इस जगत में हर जीव मन से अशांत है, भीतर में कोई ना कोई चिंता कोई ना कोई तनाव कोई ना कोई विघ्न कोई ना कोई बाधा कोई ना कोई अड़चन हर किसी के जीवन में आई हुई है। जगत का एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन के अंदर में कोई चिंता या अड़चन ना हो, एक चिंता पूरी होती नहीं और चार चिंताएं नई जन्म ले लेती हैं। किसी को स्वास्थ्य की चिंता, किसी को पैसे की चिंता, किसी को पुत्र की चिंता, किसी को पत्नी की चिंता, किसी को किसी की चिंता, हर कोई चिंता के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है। तो उस समय महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज हमारे को इन चिंताओं की चिता में से निकाल करके शांत सुधारस का अमृत पिला करके हमें अमर बना देना चाहते हैं। और इस ग्रंथ की भूमिका में ग्रंथ के प्रारंभ में
उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे साथ में प्रस्तुत करी कि यदि तुम इस शांत सुधारत अमृत को पीना चाहते हो तो सबसे पहले इस जन्म मरण के जंजाल से तुम ऊब जाओ, थक जाओ। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम थक गए हो, अब और गति नहीं करनी, और योनि में नहीं जाना, और जन्म मरण नहीं करना, तब तुम इस शांत रस के अधिकारी बनोगे। और जिस दिन तुम्हारा मन सांसारिक सुखों से निकल करके और परम सुख की ओर लग जाएगा, आत्म सुख की ओर लग जाएगा, उस दिन तुम इस शांत सुधारस ग्रंथ का पान कर पाओगे। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज अगली गाथा के अंदर में हम श्रोताओं को, हम पाठकों को कह रहे हैं, सुमन सो मनसी श्रुत पावना निदधताम द्वैधिकादश भावना यदि हरोहति मोहति रोहिता हुत गतिर विदिता समतालता। सुमनसो मनसी श्रुत पावना, यहां पर महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज कह रहे हैं सुमनसो कि हे सुंदर मन वालो, यदि तुम ये 12 भावनाओं का श्रवण करोगे तो तुम्हारी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी और तुम समता रूपी लता तुम्हारे भीतर में अंकुरित होगी। जब तक समता रूपी जो लता है वो जब तक अंकुरित नहीं होगी तब तक तुम्हारे जीवन के अंदर में अशांति दूर नहीं हो सकती। और उस अशांति को दूर करने के लिए, उस समता रूपी लता को अंकुरित करने के लिए तुमको मेरी द्वारा ये प्रस्तुत 12 भावनाएं मन से श्रवण करनी होंगी, हृदय में स्थापित करनी होंगी। लेकिन किनको संबोधित कर रहे हैं? सुमनसो, हे सुंदर मन वालों सुनो। अब हम विचार करें कि महोपाध्याय जी कह रहे हैं कि हे सुंदर मन वालों श्रवण करो। क्या हम सुंदर मन वाले हैं? क्या हमारा मन सुंदर है? क्या हमारे मन में ऐसे भले विचार हैं? जब वो हमको संबोधित कर रहे हैं कि हे सुंदर मन वालों, तो थोड़ा हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि वो तो सुंदर मन वाले कह रहे हैं और हमारे मन में सुंदरता कहां? हमारे मन में तो कितना कचरा भरा है, हमारा मन तो कितना मलिन बना हुआ है। और यहां पर गुरु भगवंत हमें संबोधित कर रहे हैं हे सुंदर मन वालों। तो महापुरुषों ने ये जो सुंदर मन वाले संबोधन दिया, कुछ तो कारण होगा। तो यहां पर इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हमें जो सुंदर मन वाला कहा है उसके पीछे एक कारण तो यह है कि आप लोग अपने घर गृहस्थी के कार्य को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, सभी प्रकार के व्यापार धंधे को भी गौण करके और इतना समय निकाल करके इतनी दूर गुरु चरणों में यदि आप आए हो, इसका अर्थ यह है कि आप धर्म सुनने की इच्छा वाले हो। आपके ये कान धर्म सुनने की इच्छा वाले हैं और धर्म सुनने की इच्छा उसी की होती है जिसके मन के अंदर में कहीं ना कहीं धर्म होता है। इसलिए आपका मन सुंदर है क्योंकि आपके मन में धर्म सुनने की इच्छा है। इसलिए पहले अर्थ के अंदर में हमारा मन सुंदर है। आप लोग यहां आए हो इसीलिए तो आए हो ना, कुछ धर्म सुनेंगे। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि है सुंदर मन वालों, तो उसमें भले हमारा मन सुंदर नहीं होगा लेकिन फिर भी वो हमारे को ऐसे शब्दों से पुकार रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं ताकि हम धर्म सुनने की इच्छा वाले बन जाएं। जैसे किसी मां को पता है कि उसका बेटा गलत काम करके आया है,
वो झूठ बोल रहा है, वो गलत कर रहा है। तो माँ क्या कहेगी, तू मेरा राजा बेटा है ना, कितना अच्छा बेटा है, गुड बॉय गुड बॉय, बता क्या करके आया, अच्छा बेटा है ना। तो उसको यदि हम अच्छा कहते हैं तो वो बच्चा सब कुछ अपना कह देता है, और यदि उसको कहेंगे तू तो चोर है, निकम्मा है, बेवकूफ है, गलत है, ऐसा है वैसा है, तो कभी भी वो हमारी सुनेगा नहीं। तो गलत को भी अच्छे भावों से संबोधित करके और उसका मन अच्छों में लगाने के लिए गुरु भगवंत ने हमें सुंदर मन वाले कहा है कि आत्म निरीक्षण करो। मैं तुम्हें सुंदर मन वाला कह रहा हूं ताकि तुम अपने मन का आत्म निरीक्षण करो। अब हमें सोचना है कि हम कितने सुंदर मन वाले हैं। और तीसरा, जो ये ग्रंथ के रचनाकार हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो परम ज्ञानी है, परम विद्वान है। और जो परम विद्वान होते हैं, जो परम ज्ञानी होते हैं, वो कभी भी तुच्छ भाषा का प्रयोग नहीं करते, कभी छिछली भाषा का प्रयोग वो नहीं करते, वो हमेशा उच्च भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारे ग्रंथों में ऊंचे शब्दों का प्रयोग आता है, हे देवानुप्रिय, हे देवों के प्रिय, हे महानुभाव, हे महाशय। किसी को भी संबोधन देना हो तो ऊंचे शब्दों से, अच्छे शब्दों से संबोधन देने वाला व्यक्ति हमेशा ऊंचा होता है, और जो छोटी भाषा में बात करता है, निम्न स्तर की बात करता है, तुच्छ शब्दों का प्रयोग करता है, तो समझ लेना उस व्यक्ति की हैसियत भी कैसी होगी। तो महोपाध्याय जी महाराज हों और वो ग्रंथ का लेखन कर रहे हों और हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए वो तुच्छ भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा, हे सुंदर मन वालों, अपने मन को पावन बनाने वाली इन 12 भावनाओं को तुम अपने इन कानों से श्रवण करो, कानों से पवित्र करो, और उस कानों से सुनने के बाद में क्या होगा, तुम्हारे हृदय के भीतर समता रूपी लता अंकुरित होगी जो तुम्हें शांति देगी। इन कानों से हमने सुना तो बहुत है, लेकिन कानों से सुनने के बाद में श्रद्धा में कितना स्थापित किया, हमारी श्रद्धा कितनी मजबूत हुई कि जो मैंने सुना है, जो परमात्मा की वाणी है, वो वास्तव में पूर्ण सत्य है, त्रिकाला बाधित है, उसके ऊपर श्रद्धा कितनी जमी। ये संसार असार है कहने में है, श्रद्धा में नहीं है। सभी संबंध क्षणिक हैं कहने में है, श्रद्धा में नहीं है। जिस दिन श्रद्धा हमारी दृढ़ हो जाएगी, उस दिन इस शांत सुदारस अमृत के हम अधिकारी बन जाएंगे। सुनने के बाद में श्रद्धा कैसे दृढ़ होती है, मन कैसे पावन होता है, कानों से सुने गए जिन वचन, प्रभु के वचन, गुरु के वचन किस तरह से हमारा कल्याण करते हैं। एक छोटी सी घटना कथा सुनाता हूं। एक गांव में एक महात्मा जी आए और प्रतिदिन उनका प्रवचन होता था। प्रवचन में सारा गांव उमड़ता, सारा गांव उमड़ता। महात्मा जी के ख्याति गांव से बाहर दूसरे गांव में भी पहुंची, दूसरे गांव से भी लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। अब कुछ गांव ऐसे थे कि जिस गांव के दूसरे गांव आने के लिए बीच में से पानी की नदी क्रॉस करनी पड़ती थी। पुराने समय में पुल होते नहीं थे, नदी में से ही आना पड़ता था, तो बहुत सारे लोग नदी से आते थे। काफी दिन तक प्रवचन चलता रहा और एक दिन एक माता जी प्रवचन पूरा होने के बाद में महात्मा जी के चरणों में पहुंची। महात्मा जी, मैं आपका रोज प्रवचन सुनने आती हूं, लेकिन मेरा घर बड़ा दूर है, मेरा घर गांव के उस पार नदी के परले किनारे मेरा घर है,
महात्मा जी मैं चाहती हूँ कि कभी मुझे भी आहार का लाभ दीजिए, भोजन का लाभ दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज मैं गांव में ना जा करके तेरे आ जाऊंगा। उसने कहा, अरे महात्मा जी आज नहीं, आज तो मैं यहां हूं, अभी तो घर में कोई तैयारी भी नहीं है। अरे आप कल आ जाइए, कल मैं सारी तैयारी करके रखूंगी, आप कल पधार जाना। महात्मा जी कहना ठीक है कल आ जाएंगे। वो बुढ़िया वापिस लौट गई। और इधर जब सब लोग चले गए, उसके बाद में भयंकर मौसम बना, काले काले बादल छा गए, बिजलियां कड़कड़ाने लगी, बादल फटने लगे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, भयंकर बारिश चारों तरफ, इतनी बारिश कि नदी में भी पानी का पूर आ गया, नदी भी उफरने लगी। अब ऐसी स्थिति में जैसे ही पानी का पूर आया और वह अगले दिन महात्मा जी का समय था, नदी भरी हुई थी और बुढ़िया परले किनारे थी, और बुढ़िया ने विचार किया कि महात्मा जी को लेने जाना है, कोई बात नहीं। बुढ़िया आई, घर से निकली, नदी के किनारे आई तो देखो ओ पानी उछल रहा है, पानी जोरदार पानी उछल रहा है। बुढ़िया विचार करती है कि क्या करूं, और उधर बुढ़िया के मन में महात्मा जी की एक बात याद आई जो उसने रोज प्रवचन में सुनी थी। प्रवचन तो हम भी सुनते, उसने भी सुना था, और उसने मन ही मन सोचा कि अरे मैं रोज प्रवचन में जाती हूं, रोज प्रवचन सुनती हूं, इन कानों को पवित्र करती हूं, और महात्मा जी रोज कहते हैं कि जो राम का नाम लेता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। राम का नाम लेने से अगर संसार सागर पार हो सकते हैं तो ये तो छोटी सी नदी है, ये कौन सी बड़ी बात है। अगर सागर को पार कर सकते हैं तो ये तो नदी है, छोटी सी नदी है, है क्या। लो राम का नाम और डुबकी लगा दो। और बुढ़िया ने क्या किया, लिया राम का नाम और सीधा नदी में डुबकी लगा दी, और पानी के अंदर में तैर रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राम 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 करती करती अगले किनारे पहुंच गई, किनारे पे वहां पहुंची। और महात्मा जी तो आज देखा कि आज तो कोई आने वाला नहीं है, इतनी बारिश है, इतना पानी है, कौन आएगा। आज तो महात्मा जी झोंपड़ी के अंदर में लेटे हुए थे, और बुढ़िया ने जोर जोर से खोलो बाप जी, खोलो दरवाजा खोलो, अरे कौन आया भाई। तो देखा सामने बुढ़िया, अरे तू कहां से, अरे महात्मा जी, अरे मैं आ गई, अरे इतनी बारिश में तू कैसे आई। बस महात्मा जी पहुंच गई, अरे नदी का पानी, हाँ महात्मा जी आ गई मैं। बुढ़िया तू कैसे आई, अरे महात्मा जी आप ही तो कहते हो राम का नाम लेने वाला संसार सागर से पार हो जाता है, जब राम का नाम लेने से संसार सागर तिरा जा सकता है तो फिर ये तो नदी थी, इसलिए मैं तो आ गई। अब सुनाओ थोड़ा प्रवचन जाके, फिर मैं काम करूं, फिर आप पधारो। अब महात्मा जी ने कहा कि उसको कुछ सुनाना तो पड़ेगा, चलो 10 मिनट उसको व्याख्यान दिया, और वो तो निकल गई बुढ़िया, तो वापिस पहुंच गई। अब इधर घड़ी में 12 बजे महात्मा जी का खाने का समय हो गया। अब महात्मा जी सोचे कि भी वो तो आ गई, अब मैं क्या करूं, जाना तो पड़ेगा, भूख तो लगी है और हां भी भरी हुई है। और महात्मा जी ने अपने कमंडलू उठाया, झोली उठाई और निकले। जैसे नदी के पास पहुंचे, और नदी के पास पहुंचे तो ओ हो क्या पानी बरस रहा था, क्या उछल उछल करके तरंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर,
महात्मा जी को तो पानी देख करके चक्कर आने लगे, ये बुढ़िया कैसे आई होगी और ये डूबी नहीं, ये कैसे तिर गई, कैसे आ गई, अब मैं क्या करूं। महात्मा जी कहते, अरे अगर वो बुढ़िया आ सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। अरे लगा दो छलांग, हो जाओगे पार। और महात्मा जी थोड़ा साहस आया और नदी के किनारे पहुंचे और छलांग लगाने लगे। उसी समय अंदर से आवाज आई, ए बेवकूफी मत करना, अगर कहीं भूले चुके भी कहीं तूने छलांग लगा दी तो यही जल समाधि हो जाएगी। रुक गया वो, डर लगने लगा, दिल धक धक करने लगा, क्या करूं क्या करूं। फिर मन में विचार आया, अरे वो तो बुढ़िया, अरे वो तो संसार के पाप में रहने वाली, पाप पंख में रहने वाली, अरे मैं तो साधु हूं, सन्यासी हूं और वो तो संसार में रहने वाली। यदि वो पाप पंख में रहने वाली बुढ़िया यदि राम का नाम लेकर के इस किनारे आ सकती है तो मैं तो साधु, मैंने तो राम नाम की चदरिया ओढ़ रखी है, राम नाम की धुनी जगा रखी है, तो मैं क्यों नहीं तिर सकता, चलो अभी डुबकी लगाता हूं। और फिर डुबकी लगाने लगा, फिर आवाज आई, ये बेवकूफ मर जाएगा, जीते जी मर जाएगा, देखता नहीं पानी कितने, डूब जाएगा यही, जल सरनम गच्छामी हो जाएगा। फिर मन ने डरा दिया, अब करे तो करे क्या। एक तरफ मन कह रहा है लगा दे छलांग, जो होगा देखा जाएगा, और एक तरफ मन कह रहा है कि ये बेवकूफी मत करना, नहीं तो यहीं पे बह जाएगा। और वो आधा अधूरा मन, आधा इधर आधा इधर, उसके मन में संशय है कि पता नहीं तिरूंगा कि मरूंगा। और बुढ़िया के मन में क्या था, राम के नाम में शक्ति है, महात्मा जी रोज कहते हैं। उसने इस तरह से जिन वाणी को सुना था, इस तरह से प्रभु की वाणी को सुना था कि कानों से हृदय तक उसने उतार लिया था, उसने अपनी लाइफ को परफेक्ट कर लिया था, श्रद्धा से भर लिया था, निश्चित तिरूंगी, और इस कारण से उसने छलांग लगा दी और तिर भी गई। लेकिन महात्मा जी अभी भी संशय में पड़े हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि दो नाव में सवारी करे, एक नाव में एक पैर रखे और दूसरी नाव में दूसरा पैर रखे तो क्या होगा, डूबेगा ही डूबेगा। एक व्यक्ति एक घोड़े के ऊपर एक पांव रखे और दूसरे घोड़े के ऊपर दूसरा पांव रखे और वो सोचे कि मैं मंजिल पे पहुंच जाऊं, क्या होगा, हड्डी पसली एक। उसी तरह से कोई व्यक्ति सोचे, एक पांव उसका संशय में और एक पांव उसका श्रद्धा में, वो कभी भी नहीं तिर सकता। बुढ़िया वो श्रद्धा में थी और महात्मा जी संशय में थे, पता नहीं तिरूंगा के मरूंगा, तिरूंगा के मरूंगा, तिरूंगा के मरूंगा। और आखिर इसी आधे अधूरे मन से महात्मा जी ने राम का नाम लिया और राम का नाम लेकर के जैसे ही छलांग लगाई, पानी के अंदर में छलांग लगाई, राम का नाम तो एक तरफ रह गया, हाय मरा हाय मरा हाय मरा, और वहीं पर वो बह गए। श्रद्धा तिराती है और संशय डुबाता है। बुढ़िया को श्रद्धा थी, वो तिर गई, और महात्मा जी संशय में रह गए कि क्या होगा, इसलिए वो बह गए। हमने इतना सुना इतना सुना, लेकिन अभी तक वो श्रद्धा कि संसार कैसा है, संयम कैसा है, धर्म कैसा है, परमात्मा का मार्ग कैसा है, तप का मार्ग कैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी श्रद्धा संसार में जाती है, हमारा मन संसार में जाता है। और बार बार महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज हमें कह रहे हैं कि यह संसार ही हमारे संताप का कारण है। जितने भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि है वो सब संसार के कारण है।
ये संसार मकड़ी का जाल, मकड़ी खुद ही जाला बुनती है, बुनते 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 मकड़ी उस जाले को बड़ा करती जाती है, बड़ा करती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि खुद का जो जाला बुना है उस जाले में वो खुद ही फंस जाती है। हमने भी तो जाला बुना है और उस जाले में हम खुद ही फंसे हुए हैं। अब उस जाले में से निकलेंगे कैसे? जाला तो बुन दिया, उस जाले में और कई मकड़ियां पैदा कर दी आपने, उस जाले में पत्नी को भी ले आए, बच्चों को भी ले आए, परिवार को भी ले आए, स्वजनों को भी ले आए, संपत्ति को भी ले आए, सारे मकड़ी के अंदर में आपने जालियां भर दी और सबने आपकी टांगे पकड़ ली। जाके तो दिखा, आप उस जाल में से निकलना भी चाहो लेकिन आपकी टांगे ऐसी पकड़ी है, बाजुए ऐसी पकड़ी है कि आपको निकलने तो नहीं देंगे। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि हमको पकड़ने वाला रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। जिसको निकलना है, जिसको इस संसार से मुक्त होना है, वो आज भी मुक्त है। व्यक्ति अपनी मान्यता के बंधन से बंधा हुआ है, बाकी किसी ने नहीं बांधा, दुनिया में कोई किसी को नहीं बांध सकता। एक व्यक्ति महात्मा जी के पास में गया और जाकर के कहा, महात्मा जी मन तो बड़ा करता है आपके पास आ जाऊं, संसार से मुक्त हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, इस संसार ने मुझे पकड़ रखा है, संसार ने मुझे जकड़ रखा है, मैं संसार से जकड़ा हुआ हूं। महात्मा जी ने कहा कि बेटा कल आना मेरे पास। व्यक्ति चला गया। अगले दिन वो व्यक्ति आया, महात्मा जी का गेट बंद था, उसने नोक किया। महात्मा जी ने कहा, अरे बेटा मैं कैसे द्वार खोलूं, अरे बेटा मैं झोंपड़ी के अंदर में हूं और इस झोंपड़ी में मेरे झोंपड़ी का जो खंबा है, इस खंबे ने मुझे पकड़ रखा है, ये खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा, अरे ये खंबा मुझे छोड़े तो मैं द्वार खोलूं। उस व्यक्ति ने द्वार खोला तो देख करके हैरान हो गया, उसने कहा, महात्मा जी कैसी बातें करते हो, अरे ये खंबा आपको कैसे पकड़ सकता है, अरे ये खंबे ने आपको नहीं पकड़ा, आपने दोनों हाथों से खंबे को पकड़ रखा है, आपने पकड़ रखा है, आप अपने बंधनों को ढीला कर दो, अपने हाथों को खोल दो, अपने दोनों हाथों को दूर कर दो, आपका बंधन खुल जाएगा। महात्मा जी ने अपने दोनों हाथों के बंधनों को खोला, बाहर आ गए। महात्मा जी ने कहा, बेटा तू कल कह रहा था संसार ने तुझे पकड़ रखा है, संसार ने तुझे जकड़ रखा है, तो जिस तरह से खंबे ने मुझे नहीं पकड़ा था, मैंने खंबे को पकड़ा था, उसी तरह से संसार ने तुझे नहीं पकड़ा, तूने संसार को पकड़ रखा। जिस दिन तू अपने बंधनों को ढीला कर देगा, जिस दिन तू अपने मोह को कम कर देगा, उस दिन तू संसार से मुक्त हो जाएगा। किसी ने किसी को नहीं पकड़ रखा, हमने हमारे मन ने ही सबको पकड़ रखा है, और इस मन से ही मुक्त होना है, मन से ही इलाज होगा, मन से ही रास्ता मिलेगा, मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। बार बार ज्ञानी भगवंत कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये जो मनुष्य का मन है, यही हमारे लिए बंध का कारण है और यही हमारे लिए मुक्ति का कारण है। हमारे घर के अंदर में जो हम ताला लगाते हैं, उस ताले को लगाने की चाबी अलग होती है और ताले को खोलने की चाबी अलग होती है कि एक ही होती है? एक ही होती है, चाबी एक है लेकिन फेर में फर्क है। ऐसे फेरा तो ताला बंद हो गया और ऐसे घुमाया तो ताला खुल गया। मन एक है, उसके अंदर चाबी को ऐसे घुमाया तो मन हमारा कर्मों से बंद हो गया, और चाबी को ऐसे घुमाया तो मन कर्मों से मुक्त हो गया। चाबी की तरह ही है, केवल फेर ही फेरना है, इसको इधर ना घुमा के इधर घुमाना है, इतना ही चेंज करना है। अभी आपकी चाबी संसार की ओर घूमी हुई है, इसीलिए सारे दुख हैं, और इधर इधर घुमा दो तो मुक्ति है।
अब किस तरफ चलना है? अभी भी बंधन का ही रास्ता चाहिए या मुक्ति का रास्ता चाहिए? और सुख और शांति किस तरफ है, प्रभु के मार्ग की तरफ या हमारे पूर्वजों के मार्ग की तरफ? कि भाई हम तो भी बड़ों का पालन करते हैं, मेरी सासने ने दीक्षा ली, मैं क्यों लवा? हमारे तो बड़े जो सिखा गए हम तो वही करेंगे। और घर के अंदर में हम तो यही सोचते कि भी बड़ों के अनुसार चलना चाहिए, तो जो बड़ों ने नहीं किया तो फिर हम क्यों करें? एक घर से एक भिखारी बेचारा रोता रोता लौट करके आया, और सड़क के ऊपर से जब निकला तो सामने से माता जी आ रही थी। उन्होंने कहा कि अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे? उसने बोला ऊपर घर में गया था और मुझे खाली लौटा दिया, मुझे रवाना कर दिया, इसलिए दुखी होके आया हूं। उसने बोला वो तो मेरा घर है, कौन था ऊपर? कहते पता नहीं, घर के अंदर कोई बहू रानी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मेरी बहू ने तुझे मना कर दिया? उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुझे मना किया, चल मेरे साथ। उसको थोड़ा साहस हुआ कि अरे ये अच्छी औरत मिल गई, मुझे साथ लेके जा रही है। वो उसके साथ चल पड़ा, नौक किया, बहू आई, दरवाजा खोला और वो भिखारी साथ में था। सास अंदर गई घर के, ए बहू तूने इसको मना किया? हाँ माता जी। उसी समय सास ने कहा ए भिखारी भाग यहां से, कुछ नहीं है यहां पे। उसने कहा अरे माता जी, अरे आप तो मुझे लेकर के आए, ये बात तो आपकी बहू ने भी कह दी थी कि घर में कुछ नहीं है, और फिर आप मुझे क्यों लेकर के आए? उसने कहा घर की मालकिन मैं हूं, बहू नहीं। मना करने का अधिकार है मेरा नहीं, बहू का अधिकार नहीं, मेरा अधिकार है। वो कैसे मना कर सकती है? अधिकार मेरा है मना करने का, इसलिए तुझे लेकर के आई कि मैं तुझे मना करती, जा यहां से। घर में किसकी चलती है, कैसे चलती है? बहू की नहीं चलने दी। उसके लिए मेरी चलती है, मैं मना करूंगी, तू कौन होती मना करने वाली? तो हम दूसरों की देखा देखी चलते हैं, लेकिन हमारे यदि पूर्वज यदि वो संसार में रहे, वो भटकते रहे, तो कम से कम हम तो उस मार्ग पर ना चलें, हम तो अपनी आत्मा के लिए सन्मार्ग का रास्ता लें, हम तो मुक्ति का रास्ता लें, हम तो शांति का रास्ता लें, हम तो परमात्मा के मार्ग पर चलें, हम तो संसार के इस असारता का बोध करके और इस सुंदर वाणी को सुंदर कानों से सुन करके, सुंदर मन से सुन करके, सुंदर हृदय में धारण करके और श्रद्धा का पाया मजबूत करके, और फिर लो राम का नाम और लगा दो डुबकी। आप भी डुबकी लगाओ, हम भी डुबकी लगाते, देखते हैं क्या होता है। लेकिन परमात्मा का नाम तो तिराएगा ही तिराएगा। वाल्मीकि जी ने क्या किया था, महर्षि नारद ने उनको राम नाम का मंत्र दिया, और महर्षि नारद के मुख से राम नाम का मंत्र लेकर के और वाल्मीकि जी उसको भी भूल गए, और राम की जगह क्या जपने लगे, मरा 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 मरा, राम भूल गए, मरा मरा जपने लगे। लेकिन इतनी श्रद्धा से जपा, इतनी निष्ठा से जपा कि मरा मरा कहने पर भी श्री राम उस पर प्रसन्न हो गए। और मान लो हमारा नाम रामचंद्र हो और कोई हमें मरा चंद्र कहे तो मुझे मरा चंद्र कहता है, हाँ तुझे करता हूं अभी। लेकिन वाल्मीकि जी के मरा मरा कहने पर भी भगवान राम उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, क्योंकि राम ने उसके शब्दों को नहीं सुना, उसकी श्रद्धा को सुना, सच्ची निष्ठा को सुना। तो ये जो ग्रंथ का वाचन है, ये हमारे में ऐसी सच्ची श्रद्धा को पैदा करे, हमारे मन को सुंदर बनाए, हमारे जीवन को सुंदर बनाए, जीवन को परफेक्ट बनाए। परफेक्ट जीवन होगा तो वो पुण्य भी हमें आत्मा की ओर लेकर के जाएगा। पुण्य चाहिए उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो पुण्य ऐसा हो कि जो पुण्य हमें संसार में भ्रमण न कराए, जो पुण्य हमें संसार में से अनासक्त भाव दिलाए,
विरक्ति का भाव दिलाए, मुक्ति का भाव दिलाए, ऐसा पुण्य हमें बांधना है। आज समय काफी हुआ, आज इतना ही, फिर आगे की चर्चा कल करेंगे, आज इतना। संघ तेनाली संघ, आसपास के अनेक संघ गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। गुरुदेव ने वहां पर चैत्र मास की शाश्वती होली की भी आराधना करवाई थी। गुरुदेव के आज्ञानुवर्ती मुनिराज श्री रविंद्र विजय जी महाराज साहब का भी चातुर्मास हरिंकार तीर्थ पर हुआ था। श्री मानमल जी साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने कि अपने जीवन में 528 अम्बिल एक साथ किए थे, सलंग 528 अम्बिल सलंग किए, लगातार किए, और अभी इनकी 41वीं ओली चल रही है, और उसमें भी चाहे परिभ्रमण के लिए आना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, लेकिन ओली की आराधना नियमित चल रही है। हम तो सोचते हैं कि भाई आउटर पे जाएंगे, बाहर जाएंगे तो कैसे तपस्या होगी, लेकिन जिनके मन के अंदर धर्म होता है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। तो 41वीं ओली के साथ में यहाँ पर पधारे हैं, तो हम बहुत बहुत आपकी अनुमोदना करते हैं, आपकी धर्म भावनाओं की बहुत बहुत अनुमोदना। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदन। इस बार भी हम जब बिहार किया चेन्नई से, तो योग ऐसा था कि हमें लुधियाना पहुंचना था, तो हम गुंटूर अंदर नहीं जा सके, बाईपास 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 से ही हम बाहर से सुबह विहार करके और गुंटूर से बाहर सीधा विजय हरिंकार तीर्था करके रुके थे। इस बार हम गुंटूर शहर में नहीं जा सके, और गुंटूर में ही हमारे गुरुवल्लभ समुदाय के साध्वी सुब्रता श्री जी महाराज साहब का भी चातुर्मास गुंटूर श्री संघ को मिला हुआ है, ऐसा ये गुंटूर संघ बहुत बहुत अनुमोदना। हाँ जी, कल 26 तारीख है, और कल शिरोमणि जैन संघ लुधियाना को एक और नई सौगात पूज्य गुरुदेव देने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लुधियाना नगरी का कितना विस्तार हो रहा है, हमारे जो परिवार हैं वो कितने बढ़ रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, तो संघ के विस्तार को देखते हुए पूज्य गुरुदेव ने गोल्फ लिंक क्षेत्र में श्री शांतिनाथ परमात्मा के शिखर व जिनाले का निर्माण करवा करके उसकी प्रतिष्ठा अभी अभी संपन्न की, और अब बिल्कुल उस मंदिर जी के बिल्कुल साथ विशाल भवन का निर्माण, जिसका नाम परमात्मा श्री शांतिनाथ दादा और हमारे आराध्य गुरु वल्लभ दोनों के नाम से जोड़ करके श्री शांति वल्लभ जैन भवन, इस तरह से एक नए आराधना भवन, एक नए जैन भवन का कल उसका भूमि पूजन खनन और शिलान्यास का मांगलिक विधान गुरुदेव के मुहूर्त के अनुसार गोल्फ लिंक में होने जा रहा है। मंगल पाठ। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चतारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि उपसर्गः क्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति।